हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर अकाउंट्स क्लास। तो इसमें हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, जस्ट होल्ड ऑन, मैं इसमें आपको बताती हूँ। दिस वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर स्पीड। तो इसमें फर्स्ट है इंटरनल यूजर। जो इंटरनल यूजर है उसमें पहला कौन सा आता है? ओनर्स, यानी कि ये वो यूजर्स हैं जो हमारी कंपनी के अंदर होते हैं, जो सिर्फ इंटरनली उसके ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं विद इन द कंपनी। ओनर ये भी कंपनी का पार्ट है। तो ओनर्स कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द बिजनेस एंड दस दे आर एक्सपोज्ड टू मैक्सिमम रिस्क, so they are always interested in the safety of their capital. so owners contribute करते हैं capital business में, तो इसीलिए they are exposed to maximum risk, सबसे ज्यादा risk पे वही होते हैं। so they are always interested in the safety of their capital, उनको अपने business में जो पैसा उन्होंने लगाया हुआ है उसकी safety के बारे में जो है वो उनको सबसे पहले ध्यान रखना होता है कि उन्होंने जो पैसा लगाया है क्या वो safe है या नहीं। तो information बेसिकली जो यूजर्स हैं उसके लिए पहला ऑनर आ गया। उसके बाद है मैनेजमेंट। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज यूज्ड बाय मैनेजमेंट फॉर टेकिंग वेरियस डिसीजंस। तो जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है ये हमारी बाय मैनेजमेंट फॉर टेकिंग बहुत डिसीजंस लेने के लिए जो है वो हमारी मैनेजमेंट बेसिकली वो भी एक यूजर होती है, क्योंकि मैनेजमेंट आगे जो उन्होंने डिसीजन लेना होता है वो हमारी अकाउंटिंग की हेल्प से लेते हैं। उसके बाद फर्दर आते हैं, ये बिल्कुल प्रोसेस में चल रहा है ऑनर्स के पास जैसे मैनेजमेंट आती है। मैनेजमेंट के बाद क्या आती है? एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज आर इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू असेस द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे हायर वेजेस एंड बोनस। अब एम्प्लॉइज क्या है, उनको भी कंपनी अकाउंटेंसी जो हमारी मेंटेन हो रही है उसमें इंटरेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि उनको अगर हम पे कर रहे हैं मंथली या फिर उनको वेजेस और बोनस दे रहे हैं, तो जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उनको पढ़ के उनको ये पता लगता है कि क्या बिजनेस में उतनी एबिलिटी है उनकी पे, जो उनकी पे है, वेजेस है, बोनस है, उनको देने के लिए। तो इंटरनल यूजर्स में कंपनी के कौन से आ गए? एक तो ओनर आ गया, मैनेजमेंट आ गई, और उधर से एम्प्लॉयज आ गए। उसके बाद आते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। ये वो यूजर्स हैं जो हमारी कंपनी से कनेक्टेड तो हैं बट एक्सटर्नली दे आर समवेयर रिलेटेड बट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द कंपनी दैट यू डोंट सी देम, यू डोंट डील देम ऑन द डेली बेसिस इन योर कंपनी। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड लोन्स टू बिजनेस। अब ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये वो सोर्सेज हैं जो कंपनी को पैसा देते हैं या लोन देते हैं। तो उनका पूरा राइट बनता है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानने का। तो दे आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू एंश्योर द सेफ्टी एंड रिकवरी ऑफ लोन, कि जो उन्होंने पैसा लगाया क्या वो सेफ है या नहीं, क्या कंपनी उस लोन की रिकवरी कर पाएगी या नहीं। सेकेंड आते हैं इसमें इन्वेस्टर्स। Investors are interested to know the earning capacity of business and safety of a business. Investors जिन्होंने पैसा कंपनी में लगाया होता है उन्हें भी ये पता होना चाहिए कि कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, कि जो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है क्या वो सेफ मोड पे है या नहीं। फिर आते हैं क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स कौन है? They provide the goods on credit, so they need accounting information to ascertain the financial soundness of the firm. Company की financial जो sound कितनी है,
फाइनेंशियल साउंडनेस, वो कितना साउंडली काम कर रही है, यानी कि कितना प्रिसाइज काम कर रही है, और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बेसिकली उन्हें पता होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कंपनी को उधार में स्टॉक दिया होता है. आपकी परचेजेस उनसे चल रही हैं, आप स्टॉक क्रेडिटर्स से अपना परचेज कर रहे हैं, तो उन्हें भी हमारी कंपनी की पोजीशंस के बारे में पता रहना चाहिए. फिर ऐसे ही गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को कैसे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में पता रहेगा, बिकॉज टैक्स लाइबिलिटी गवर्नमेंट इज रिलेटेड विद योर टैक्स अमाउंट. तो टैक्स लाइबिलिटी आपने गवर्नमेंट को पे करना है. तो समवेयर दे आर यूजर, एक्सटर्नल यूजर. रिसर्चर्स आर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन देयर रिसर्च वर्क. जो आर एंड डी डिपार्टमेंट होता है उनको कंपनी में न्यू इनोवेशन करने में, कि आज हम कुछ नया लॉन्च कर रहे हैं या जो प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं उसमें हम कितना इनोवेशन डाल सकते हैं. तो बेसिकली आपका जो रिसर्च रिसर्चर्स हैं उन्हें भी आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो पता होती है, कंपनी की स्टेज जो है वो पता होती है, सो वो बेटर रिसर्च कर पाए. कंज्यूमर्स अल्टीमेटली लास्ट सेगमेंट आता है. They require accounting information for establishing a good accounting control, which will reduce the cost of production. तो हमारी cost of production को reduce करने के लिए हमारे consumers के साथ बहुत अच्छा link होना चाहिए. आपने देखा होगा ये बिल्कुल एक flow में चल रहा है, एक hierarchy में चल रहा है, कि ultimately जो हमारे internal users हैं, ये हमारे जो external users हैं, banking and information, banking and financial institutions से लेके it has reached with to consumers. तो कंज्यूमर जिन्होंने अल्टीमेटली हमारा प्रोडक्ट है वो परचेज करना है, तो वो क्या करेंगे, उनको भी हमारी कंपनी का पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे स्टैंड करती है, और क्योंकि उन्होंने वो चीजें परचेज करनी है, तो पैसा अल्टीमेटली कस्टमर्स के पास से ही आएगा. तो अगर उनको कंपनी की पोजीशन पता रहेगी तो क्या करेंगे, आपके वो परमानेंट रहते हैं. तो इसीलिए अब कहते हैं ना कि जब एक कस्टमर ने कोई किसी कंपनी का शेयर परचेज करना है तो वो क्या करेगा, उसको वो वहीं पे पैसा लगाएगा जहाँ पे उसका जो स्टेटस है अच्छा दिखेगा, यानी कि नेम एंड फेम फोक्स. तो जहाँ पे एक कंपनी प्रॉफिटिज्म में जाएगी, जहाँ पे उसको उसकी फाइनेंशियल पोजिशन पता रहेगी, तो वहीं पे जो है वो कंज्यूमर उन चीजों को खरीदने के बारे में सोचेगा. तो अकाउंट्स ही एक ऐसी चीज है जो एक हर तरह के बिजनेस को डिफाइन करते हैं, उसकी एक लैंग्वेज होती है. तो ये लैंग्वेज से ही सबको पता रहता है कि एक कंपनी का स्टेटस कितना है, कैसा है, और इन फ्यूचर एक कस्टमर उसमें बेसिकली कस्टमर से लेके इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, हर एक तक. ओके, तो इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक है यूजर्स का, ये यहीं पे खत्म होता है. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ. थैंक यू.